दिसंबर के महीने में रिलीज हुई तेलुगु मूवी पुष्पा द राइज, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा कर रखा हुआ है। कोरोना काल के इस पैंडेमिक में रिलीज होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है। साउथ हो या नॉर्थ, देश के कोने कोने में इस फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का असल सच क्या है, और पुष्पा राज असल में कौन था, और क्या है इस लाल चंदन का रहस्य? मिलेगा इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, पुष्पा मूवी को रिलीज हुए लगभग एक महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दर्शकों के दिलो दिमाग से इस फिल्म की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही। इस फिल्म का टीजर अप्रैल 2021 में देखने को मिला था। मूवी के टीजर में ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी छाप छोड़ दी थी। फिल्म के निर्माताओं के मुताबिक पुष्पा द राइज का टीजर बॉलीवुड में 1.5 मिलियन लाइक्स के साथ अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीजर है। दरअसल पुष्पा फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में की जाने वाली लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। इस फिल्म की शूटिंग केरला के जंगलों में भी की गई थी। क्रू मेंबर्स ने इंटरव्यू में एक खुलासा किया था कि एक बार चंदन के आर्टिफिशियल गट्ठर ले जाते हुए वहां की लोकल पुलिस ने उन्हें तस्कर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद टीम ने उन्हें बताया कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल चंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म में पुष्पा के किरदार को निभाया है। इस फिल्म के लीड रोल को करने के लिए अल्लू अर्जुन ने 32 करोड़ की फीस ली है। लेकिन क्या आपको पता है, इससे पहले पुष्पा के लीड रोल के लिए डायरेक्टर सुकुमार ने बड़े से बड़े कलाकार जैसे महेश बाबू को भी ये फिल्म ऑफर की, पर उन्होंने पुष्पा जैसे नेगेटिव शेड्स वाले रोल को करने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, इस फिल्म में श्रीवल्ली का रोल पहले समांता को ऑफर किया गया था, क्योंकि अल्लू अर्जुन के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट रह चुकी है, पर बाद में समांथा ने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से इस फिल्म में श्रीवल्ली का रोल प्ले करने से मना कर दिया, जिसके बाद सुकुमार ने रश्मिका मदन्ना को श्रीवल्ली का किरदार दिया। हालांकि समांथा ने अल्लू अर्जुन की रिक्वेस्ट पर आइटम सॉन्ग ऊ अंटावा को साइन किया, जिसके लिए समांथा ने 5 करोड़ की फीस भी ली है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस आइटम सॉन्ग को करने के लिए नोरा फतेही को भी ऑफर किया गया था। दोस्तों, किसी भी फिल्म के लिए सिनेमेटोग्राफर की बहुत ही अहम भूमिका होती है, जो कि फिल्म के दृश्यों में जान डाल देते हैं। ऐसे में पुष्पा के हर एक सीन को सस्पेंसिव और शानदार बनाने वाले सिनेमेटोग्राफर मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक, जिन्होंने पोलैंड से सिनेमेटोग्राफर की ट्रेनिंग ली है, और कुबा ब्रोजिक पिछले कई सालों से साउथ की फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी करते आ रहे हैं। दोस्तों, पुष्पा के एक निर्माता वाई रविशंकर ने अपने दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म की कहानी काफी लंबी होने की वजह से इसे 2.5 घंटे में पूरा समझ पाना मुश्किल है, तो ऐसे में फिल्म के निर्देशक और कलाकारों ने इसे 2 भागों में बनाकर रिलीज करना बेहतर समझा। फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाने का यह फैसला तब लिया गया जब फिल्म करीब 80% तक पूरी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पुष्पा मूवी के दूसरे पार्ट पर तैयारियां शुरू भी हो चुकी है और 10% तक काम भी पूरा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के कम होने के बाद इस पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों, IMDb पर फिल्म की रेटिंग 8/10 नोट की गई है, तो वहीं दर्शकों ने इस फिल्म को 5 में से 4.5 की रेटिंग दी है। दोस्तों, आप शायद ये नहीं जानते होंगे, पर बॉक्स ऑफिस पर अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं इस फिल्म ने। लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है और वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ की। यही नहीं, इस फिल्म का श्रीवल्ली सॉन्ग इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और क्या आपको पता है, इस फिल्म के शुरुआत में एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है जिसमें चंदन के बड़े बड़े गट्ठर दिखाए जाते हैं। इस एक सीन को शूट करने के लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया था। इस फिल्म के लिए 500 लोगों की रोजाना जरूरत होती थी, और ना सिर्फ यही, इस फिल्म के एक गाने में 1000 लोगों को लेना पड़ा था। इस पुष्पा मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल पुष्पा राज एक कूली था जो कि 90 के दशक में लाल चंदन की तस्करी का काम करता था। लाल चंदन एक ऐसा अनोखा पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के शीशचलम हिल्स में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह की मेडिसिन और एक्सपेंसिव वुडन प्रोडक्ट्स के लिए होता है, साथ ही कई तरह के ड्रिंक्स में इसे फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो सिर्फ 90 से 100 ग्राम लाल चंदन आपको 500 रुपये तक का मार्केट में मिलता है, और यही वजह है कि इसकी डिमांड दुनिया भर में रहती है। जिस इलाके में ये पेड़ होता है वहाँ के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहता है। इस सब के अलावा क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की हिंदी डब्ड फिल्मों और पुष्पा में किसकी आवाज़ है? दोस्तों, वैसे तो आपने अल्लू अर्जुन की फिल्मों में अक्सर संकेत म्हात्रे की आवाज़ सुनी होगी, लेकिन पहली बार मेकर्स ने कुछ नया ट्राई किया और पुष्पा मूवी के हिंदी वर्जन की डबिंग के लिए बॉलीवुड के एक्टर श्रेयस तलपड़े को साइन किया गया, जिनकी आवाज़ ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। हालांकि शुरुआत में ऑडियंस को लगा कि श्रेयस तलपड़े की आवाज़ अल्लू अर्जुन पर सूट नहीं होगी, लेकिन फिल्म देखने के बाद सभी हैरान हो गए, क्योंकि श्रेयस तलपड़े की आवाज़ पुष्पा के कैरेक्टर में काफ़ी दमदार साबित हुई और डायलॉग्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। झुकेगा नहीं साला।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर ये फिल्म देखी है तो इसमें अल्लू अर्जुन की एक्टिंग आपको कैसी लगी और पुष्पा मूवी को आप 5 में से कितने स्टार की रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के साथ।